हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि T300 प्रो कैसे अपडेट करते हैं। इसके लिए पहले हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए इसमें पहले इसका सीरियल नंबर और पासवर्ड निकालना पड़ेगा। इसका सीरियल नंबर और पासवर्ड है, हम इसे नोट कर लेंगे और इसकी फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको रजिस्टर करेंगे इसके अंदर लैपटॉप से। उसके लिए हमें ओबीडी स्टार की साइट पे जाना पड़ेगा। ओबीडी स्टार की साइट थोड़ा फोकस कर, और रजिस्टर करना पड़ेगा। पास कर, इसमें इसका सीरियल नंबर डालना पड़ेगा ना, इधर डालो। इसका सीरियल नंबर और पासवर्ड है, प्रतीत हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर कोड PSPASU 1 2 3 4 5 times 8। इसका यूजर नेम बनाना पड़ेगा हमें, तो इसका रख देते हैं AMFOF T300 10। और पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड हम इसका रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। और इसमें अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा। इसमें मेल आईडी ये डाल दिया हमने। कॉन्टेक्ट नंबर में अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी इसमें, थोड़ा दिखाइए उधर आगे करके। ये सारा इसका सीरियल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अपना यूजर नेम और एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब इसको रजिस्टर कर देंगे। ये रजिस्टर हो गया इसका, ठीक है। अब इसे हमें अपडेट करना है, तो इसका ये एचडी कार्ड है, इधर दिखाइए, इधर ये इसके अंदर एचडी कार्ड लगा रहता है। इसे निकालेंगे और इसे निकाल के इसमें लगा देंगे मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड रीडर में लगा देंगे और इसको लैपटॉप में लगा देंगे। इसमें एक टूल होता है, वो आप डाउनलोड कर लो, इसी वेबसाइट पे मिल जाता है। ये एक री अपग्रेड नाम से टूल है, ये वाला, इसको डाउनलोड कर लो, वो आपका इसमें आ जाएगा। ये टूल है, इसको आप ओपन करोगे, इसमें जो हमने आईडी और पासवर्ड बनाया है वो डाल के इसको ऑपरेट कर देंगे। इसमें जो हमने आईडी बनाई थी उस टूल की, AMFOST300 10, और पासवर्ड हमने उसका रखा था 1 2 3 4 5 6। इसको लॉगिन कर देंगे, ये लॉगिन हो गया। अब इसके अंदर जितने भी हैं ये अपडेट सारे दिखा देगा। ये इसके अंदर जो करेंट वर्जन है, करेंट वर्जन और लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है, तो ये मतलब अपडेटेड है। एक इसका किया का रखा है इसमें अपडेट अभी फिलहाल जो है। तो अगर आपको सारे अपडेट जो देखने हैं और सिलेक्ट ऑल आप करोगे तो अपने आप कर लेगा। एक इसमें टाटा का भी अपडेट आया हुआ है 3.30.12। तो इसको अपग्रेड करने के लिए इसको
अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे और ये अपग्रेड होना चालू हो जाएगा। टाटा का हो गया इसमें अपडेट बटन, किया का हो रहा है। और जब भी अपडेट करना हो बस इसको लॉग इन करो और आपका मेमोरी कार्ड निकाल के लगा दो इसमें, मेमोरी कार्ड रीडर में, और लॉग इन आईडी पासवर्ड आप डालोगे ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा जितने भी अपडेट हैं। ये अपग्रेड कंप्लीट हो गया इसका। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है T300 Pro इंडियन वर्जन का अपडेट करने का। थैंक यू।